मोदी जी कहते हैं आप दिव्य शक्ति हैं, कुछ करते हैं कि नहीं आपके लिए? हाँ तो दिव्य शक्ति है, दिव्य शक्ति कह कह के तो अधिकार छीने जाते हैं। विकलांगों को दिव्यांग किया और जितनी सुपर फास्ट ट्रेन है सबसे विकलांग को हटा दिया, ये है दिव्य। जो विकलांग अधिकार अधिनियम 2016 ये मोदी जी ने पास किया और आज तक उसे जमीनी स्तर पर लागू नहीं किया, ये अधिव्य शक्ति के लिए कार्य है। एक देश एक पेंशन होनी चाहिए विकलांगों की, ये मांग है। विकलांगों को अगर दिव्य है तो उनको राजनीति में आरक्षण क्यों नहीं, जो संविधान देता है। जो आज तक विकलांगों के रोजगार है वो 4% आरक्षण आज तक पूरा क्यों नहीं किया, ये लड़ाई है। सोशल मीडिया के लिए नई गाइडलाइन आई है क्या? गाइडलाइन आई है नहीं, अब गाइडलाइन आई है तो सोशल मीडिया आप लोग चलाते हो, आप बताओ कोई दिक्कत है? मोदी जी को नहीं पता तो इसी सोशल मीडिया से वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं, इसी ने उसे प्रचारित किया है और आज प्रधानमंत्री बन गए तो उसी सोशल मीडिया पर बैन लगाना चाहते हैं। कहने का मतलब न्यू गाइडलाइन जो आया है उसका मतलब है कि सोशल मीडिया को भी गोदी मीडिया बनाना चाहते हैं मोदी जी? देखिए ये तो सोशल मीडिया है, उन्होंने देश की कोई एजेंसी ऐसी छोड़ी है जिसको उन्होंने गुलाम ना बना लिया हो। सारी देश की संवैधानिक संस्था आज सरकार की गुलाम है तो फिर आपको कैसे छोड़ देगा भाई? संसद घेराव की बात लगातार हो रही है किसान आंदोलन की तरफ। जी हाँ हो रही है। तो अगर इससे भी फर्क नहीं पड़ा तो अगला पड़ाव का पीएम ऑफिस में जाके बैठेंगे आप डायरेक्ट? वो बता देंगे, बड़े जत्थेदार बताएंगे। जत्थेदारों का आदेश है कि 40 लाख ट्रैक्टर से संसद घेरनी है तो घेरनी है। डेट जिस दिन डिक्लेयर हो जाएगी तैयारी उसी दिन शुरू हो जाएगी। कोई घटना घटी की जिम्मेदार सरकार, कानून व्यवस्था बनाना सरकार का काम है। तो सरकार अभी जो लाल किला भी हुआ आप ही मंद किए, बन दिया गया सारा जो हुआ कानून व्यवस्था, तो 26 जनवरी को भी बनाई थी। तो क्या हो गया, क्यों टूटी कानून व्यवस्था? क्यों सरकार के नुमाइंदे हमारे बीच में घुसे? क्यों उन्होंने जाके लाल किले पे उपद्रव किया? और जिसने लाल किले पे उपद्रव किया वो अभी तक खुला कैसे घूम रहा? तो फिर वही करवाना चाह रहे हैं संसद भवन में? क्यों हम कौन, हम करा रहे, हमने करा, आप करेंगे? शांति प्रिय आंदोलन है हमारा। कहीं ना कहीं आप सरकार पे दबाव तो नहीं बनाना चाह रहे? कभी आप चक्का जाम करते हैं, कभी रेलों को आंदोलन का संसद घेरा, तो आंदोलन का मतलब क्या होता है? सरकार पे दबाव बनाना आंदोलन का मतलब होता है? तो सरकार पे दबाव न बनाए तो क्या पाकिस्तान पे जाके बनाए? लड़ाई सरकार से है तो दबाव भी सरकार पे बनेगा। तो अब एक बात बताइए, संसद पे जाने पे कौन सी अहिंसा भाई? जाए ना, वीआईपी इलाका है वो, वहाँ क्या इसका जिम्मेदार कौन होगा? इस देश में किसान से बड़ा वीआईपी कोई नहीं है। जिनको तुम वीआईपी बताते हो ये देश की जनता चुन के भेजती है। अच्छा ये एक और चीज, ये सब चीजों पर बात हो रहा है लेकिन कल परसों जैसे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पहली बार देखा जा रहा है कि जीता जागता कोई इंसान अपने नाम पर कोई काम करवा ले, यानी स्टेडियम बनवा ले, मोटारा स्टेडियम जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया उसमें अडानी अंबानी भी कर दिया। एक इंच से अडानी है एक इंच से अंबानी, क्या कहना चाहेंगे जीता जागता? देखिए फिर मैं वही कहूंगा कि एक हमारे दुनिया में हिटलर हुआ था, उसने भी ऐसा ही किया था। दूसरी चीज, हमारे देश के अंदर जब ये देश आजाद हुआ था, सरकार बनी थी, तो सरदार पटेल जी ने इस आर एस एस पे बैन लगाया था और उसी सरदार पटेल को बदनाम करने के लिए, उसका अपमान करने के लिए आज आर एस एस की सरकार है, तो उनके नाम को हटा करके नरेंद्र मोदी का नाम दिया गया है। फिर कहूंगा कि हम दो और हमारे दो, हम दो, हम ये गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, और हमारे दो अडानी और अंबानी। भाई हमने कद बातचीत को मना करी, हम तो पहले दिन से कह रहे बातचीत करो भाई, जब तक नोता नहीं आवे। देखिए किसान बहुत खुददार है, बिना बुलाए तो किसान भगवान के यहाँ भी नहीं जा, ये तो सरकार है। आप आरएसएस की बात कर रहे थे, वो तो दुनिया का सबसे बड़ा संगठन हो गया। क्या हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ,
जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं फल लगे थी दूर। पहले तो प्रधानमंत्री कहते थे कि किसानों की आय दुगनी होगी, लेकिन अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि किसानों की आय दुगनी करने के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। अच्छा, पहले तो हो जाती, अब होने नहीं कोशिश करेंगे। 7 साल से क्या खिलंदरी कर रहे थे भाई? 7 साल से क्या कर रहे थे? अच्छा, 7 साल से चौकीदारी कर रहे थे अडानी अंबानी जी की? है कोशिश कर रहे थे आपकी आय दुगनी करने की, नहीं हो पाई तो उसमें उनकी क्या गलती? अबे देखिए, ये नेता वे हैं कि पहले अपने रिश्तेदारों की तो कर ले, अपनी तो कर ले। देखिए, सारा देश बेच दिया, कुछ बचा तो अपने नाम कर लिया। और अब तो डर लगता है जब बीजेपी का कोई प्रधानमंत्री या कोई मंत्री कहता है कि पिछली सरकारों ने 70 साल में क्या किया। भाई मैं तो एक ही चीज कहता हूँ, मत बताना, मत बताना, अगर बता दिया तो उसे भी बेच देगा। जी उन्होंने कहा था कि हमारा क्या, हम तो झोला उठा के चले जाएंगे, वो कर रहे हैं, वही करेंगे, झोला उठा के चले जाएंगे। फिर आपको दुख क्या है? तो भैया अगर खुद फकीर है तो क्या हमें भी फकीर बनाने का इरादा है? सारे देश को क्यों फकीर बनाने के चक्कर में है? झोला उठा के जाना है तो जाता क्यों ना, क्यों हमारी गर्दन काट रहा, पूछ लो। संसद घेराव में तारीख का ऐलान अभी तक नहीं हुआ, किस चीज का इंतजार है? किस चीज का इंतजार है तारीख? देख भाई, हमारा आंदोलन देश के किसानों का और देश के आम जनता का आंदोलन, हम चाहे ये करें हम चाहे वो करें, हमारी मर्जी। जिस दिन हमारे नेता आदेश करेंगे डेट का, उस दिन होगा। मनमानी कर रहे हो तो आप, और मनमानी करें ना, देश का प्रधानमंत्री क्या कर रहा है? और वो भी तो ही आप चाह रहे हैं कि 3 कृषि कानून ना बने, या मनमानी करें, हम भी यही चाह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही चाह रहे, बिल्कुल नहीं बनेंगे भाई, हटा के जाएंगे, सारी कील जितनी फंसी है सब उखाड़ के जाएंगे। उखाड़ क्या कील ना, और भी होंगी थोड़ी सी। कृषि मंत्री कह रहे हैं भीड़ बढ़ाने से कानून वापस नहीं होते, तो भाई कृषि मंत्री से पूछ कि सारी बीजेपी कलकत्ता में क्या कला कर रही है वहाँ भीड़ करके? वो तो जीत रही वहाँ है, बीजेपी जीत रही है। क्यों, तो भविष्यवाणी का है, सर्वे हो गया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया कर रही है, सर्वे हो गया, तो फिर चुनाव क्यों करा रहे वहाँ से? फिर देश का बर्बाद क्यों कर रहे हैं? पैसा के लिए ना, हम जीत गए, आपको ललकारेंगे कि हम जीत गए, आप विरोध करो फिर भी जीत गए। अभी तो कलकत्ता जाने के लिए ट्रैक्टर का नाम लिया है, जाके बूथ भी हुए बीजेपी से, गुजरात में जीत गए, दस्त लगे पड़े हैं, दस्त लगे पड़े गुजरात है, निकाय चुनाव जीत गए बहुत, गुजरात गुजरात कर रहा है। और पंजाब में क्या हुआ था? पंजाब में निशान लिए वहाँ, उनकी पार्टी है, उनका समर्थक है, जीत गए वहाँ। तो यहाँ क्या था, यहाँ क्या था? आपके समर्थक नहीं है पंजाब में, वहाँ कहाँ, गुजरात में? अरे तू हमें तो छोड़, वहाँ तो झाड़ू वाले भी हैं गुजरात में, तू क्या बात कर रहा? समर्थन नहीं दिया ना आपका भी? किसका? अभी तो जीत गए, जब हम गुजरात गए नहीं, हमने अभी डिक्लेयर कर, मतलब किसान आंदोलन तीन स्टेट का है, तीन स्टेट का है, इसका मतलब कौन कह रहा है तीन स्टेट का? जब नहीं जीते तो फिर क्या? अच्छा, अगर हार जाए तो किसान आंदोलन नहीं है? मैंने कहा है कि हम किसानों को जगा रहे हैं, तुम बार बार चुनाव पे ला के रख देते हो, क्यों? कि तुम्हें तो राजनीति में अच्छा लगता है। आप भी तो राजनीति कर रहे हैं। कौन सी राजनीति करती बता? बंगाल में जा रहे हैं, असम में जा रहे हैं। अरे बंगाल में जाए, बंगाल में किसान नहीं है, अपने किसानों को ना बताए कि भाई हमारे साथ में किसान नहीं है, गुजरात है, गुजरात में कहाँ? अरे एक प्रदेश में जाने की बात करी है, पेट में दर्द थारे भी हो गया, अभी तो एक में करा सालों का दर्द हो गया। अच्छा, अरे धीरे धीरे जाएंगे, सब जगह जाएंगे, क्यों क्यों परेशान हो रहे हो? हर प्रदेश में जाएगा किसान का ट्रैक्टर, जाएगा क्या आंदोलन बोला जा रहा है, जाएगा क्या ट्रैक्टर? तो वहाँ पहले से होंगे, वो क्यों नहीं समझ रहे आपको जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? समझाएंगे समझाएंगे। आप कहना चाह रहे मतलब और स्टेट के किसान इतने समझदार नहीं है जो कानून को खुद से समझ ले, आप समझाने जाएंगे? मैं तो उल्टा, तुम्हें तो हमेशा किसान का विरोध करना, खूब कर लो तुम, इस सरकार से हमारा बिगड़ा नहीं, कुछ जो था तुम बिगाड़ लोगे, रुका वहाँ जाओगे और वहाँ जाओगे, जेल का डर, हम चाहे जहाँ जाए है, किसको जेल का डर? अच्छा इनको जेल का डर हो गया, ओहो ये सोशल मीडिया वाले जान लगे गोदी मीडिया की तरफ, एक आज ही कहा ना उसने, डर गए का विरोध किया सरकार, रोड पे बैठा दिया, अब क्या सरकार ने रोड पे तो बैठा दिया? अरे हम वो वोटर है, इनकी तो औकात क्या, अच्छे अच्छे को हम पानी पिला दे करवे से। देखिए तो औकात बता दिया कि आपको दिल्ली नहीं घुसने दे रहा है, अब इससे बड़ा क्या होगा? औकात हमने दिखा दी कि जब हम 26 नवंबर को आए थे, सबसे पहले दिल्ली में घुसे थे, बुराड़ी के मैदान में गए थे। आपको अपने मैदान नहीं दिया ना रहने के लिए दिल्ली में? किसने आपको रामलीला कहा दिया? अरे रामलीला,
कि रामलीला में हम कोई कलाकार है जो रामलीला में वो करेंगे, वही तो जाना चाह रहे थे तो बता दे सरकार को कि आ रहा है एक देश का विकलांग अपाहिज, देश की सबसे कमजोर कड़ी 17 मार्च को आ रहा और खूब जोर लगा ले छक्के। 17 मार्च ऐलान है कि घुसेंगे? मेरा ऐलान है, मेरा देश का विकलांग जाएगा, लोग के दिखाए। 3 महीने में तो कुछ हुआ नहीं, आप 17 मार्च क्या हो जाएगा? 3 महीने से तो कुछ हुआ नहीं, 17 मार्च क्या हो जाएगा? यही बात 1907 में गोरे अंग्रेज कहते थे, 9 महीने में उनकी ऐसी तैसी मार के कानून वापस कराए गोरे अंग्रेजों से। ये तो काले अंग्रेज हैं, जिस दिन किसान अपनी पे आ जाएगा उसी दिन करा लेगा। ये सलीब को पहला बता रहा हूँ गोरा, अच्छा लग रहा था भक्त को, देश भक्त को सलीब और काला बता रहा है, ये अच्छा बात नहीं बोल रहे हो कि भाई हम कहाँ के गद्दार हैं? देशभक्त तो वही है ना। कौन है, किसने दिया सर्टिफिकेट? तू देखा है सर्टिफिकेट? सरकार का समर्थक देशभक्त है। अच्छा, जो देश के सरकार को कहे वो देशभक्त? देखिए हाँ, असली देशभक्त, ये देशभक्त है और हम इनके वंशज हैं, ये ध्यान रख लेना। इनकी वजह से आजाद है। और जो बीच में बैठा है इसी के चाचा ने उन गोरे अंग्रेजों को भगाया था 9 महीने आंदोलन करके, और ऐसे ही काले कानून 3 वापस कराए थे। अब इनका भतीजा कोई आएगा भगाने? इनका भतीजा है नहीं, हमें पूरा किसान बिरादरी इनका वंशज है, सब इनका परिवार है। तुम पैदा भी नहीं, ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही करेंगे। नहीं जैसा है, कौन सा वंशज इनका? जब ये लड़ाई लड़ रहे थे वो अंग्रेजों के तड़वे चाट रहे थे, तो वो तब भी जचन थे, वो आज भी जचन है और वो कल भी जचन थे। और सुनो सरकारों, फिर वही चैलेंज है कि मत छेड़ो किसानों को, लड़ना मुश्किल होगा और इस बार किसान ऐसा इतिहास लिखेगा कि मोदी जी आपको तो पढ़ना मुश्किल होगा।